Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7 students, and here is your science book. Today we are going to start our new unit, which is unit number 3 on page number 29, growth and reproduction in living organism. ठीक है, growth और reproduction के बारे में पढ़ेंगे हम इस unit में. तो growth क्या होती है? Growth किसी भी चीज़ का size में increase करना या उसकी body के अंदर जो cells हैं वो उनका इंक्रीज़ कर जाना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ. और रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ग्रोथ, ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ टेक प्लेस इन टू वेज. द साइज ऑफ द सेल्स इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज बाय सेल डिवीजन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज़ करना साइज़ में, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ. ग्रोथ के टू वेज हैं. एक में क्या होता है? सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है. और दूसरा कौन सा तरीका है? कि सेल डिवीजन के थ्रू जो है सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर टू सेल्स हैं तो उनमें सेल डिवीजन होगी तो वो फोर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फोर से एट, एट से सिक्सटीन, इस तरह फर्दर डिवीजन होकर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे. नेक्स्ट, ग्रोथ इन एनिमल्स. द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स ग्रोज ऑल ओवर टिल इट रीच एडल्ट साइज, आफ्टर विच ग्रोथ स्टॉप्स. बॉडी ऑफ एन एनिमल ग्रो करती है जब तक वो एडल्ट साइज तक नहीं पहुंच जाता, और जब तक वो एडल्ट साइज तक पहुंच जाए तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. ओनली सम सेल्स रिटेन द पावर टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट और डैमेज टिश्यूज. ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिवीजन की पावर होती है और वो डिवाइड करते हैं, और जो रिपेयर डैमेज सेल्स होते हैं वो दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ इन प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द देयर लाइफ इफ़ दे गेट सफिशिएंट वार्मथ, एयर, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स. अगर हम प्लांट को जो है सफिशिएंट वार्मथ, एयर, लाइट और वाटर मिनरल वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो प्लांट जो है अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहेंगे. ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द रूट एंड शूट्स वेयर सेल डिवीजन अकर. ठीक है, प्लांट के अंदर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, बाउंड होती है टू द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, रूट और शूट की टिप तक, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है डिवीजन की. द न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज एंड देन बिकम स्पेशलाइज टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज़. और जो न्यू सेल्स बनते हैं प्रोड्यूस ग्रो टू अ मैक्सिमम साइज़. ठीक है, वो मैक्सिमम साइज़ तक ग्रो करते हैं और फिर जो है वो स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू, और फिर वो स्पेशलाइज हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट टिश्यूज़ बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, पेरेंट्स अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन देयर करेक्टरिस्टिक टू नेक्स्ट जनरेशन, रिप्रोड्यूस इन टू वेज. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने करेक्टरिस्टिक अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन की टू वेज हैं. एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. ठीक है, सिंगल पेरेंट से नेक्स्ट जो है वो जनरेशन बनती है. ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ वन पेरेंट आर पास्ड ऑन टू ऑल ऑफ ऑफस्प्रिंग. और उस सिंगल पेरेंट के अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती हैं, नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन पेरेंट. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जितने भी सिंगल पेरेंट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जितनी भी जो है वो सेल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं. ऑफस्प्रिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं. मैनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, मतलब उसको बहुत अपनी